हमारा कोचिंग का मैटर था तो उसमें थोड़ा सैलरी लेकर इशू आ रहा था, तो उसी जो है इशू को निपटाने के लिए यहाँ पे हम लोग आए हुए थे। पापा हमने पापा को अपने घर से बुलाया हुआ था, बस यही मामला था। क्या इशू आ रहा था? कि सैलरी का थोड़ा सा इशू आ रहा था कि लेट मिल रही थी, और फिर जब लेट मिली। कोचिंग है किसका? सर है हमारे जय भगवान सर, उनकी कोचिंग है। आपका नाम क्या है सर? नितिन कुमार। क्या काम करते हैं? टीचर हूँ मैं। आप टीचर हैं जी। तो विवाद किस तरह से सर बड़ा? विवाद सर वो सैलरी को लेकर था, बस इतनी सी बात थी। वो निपट चुका है जी, वो निपट चुका है। धन्यवाद। हाँ सुनो, अरे काय की सेटिंग होगी? ये लेक्चरर लगा हुआ था, इनका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, वो 4.5 महीने हुए थे, वो उसको जाने नहीं दे रहे थे। वो कहते मैंने घर जाना है, मेरे को इमरजेंसी है, ये कहते आपको टर्न पूरा करके जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको पैसे नहीं देंगे। सिर्फ ये मैटर था, बैठ के हम लोगों ने सल्टा दिया। उसके फादर आए थे यूपी से, कैलाश भगत जी जो एफर्ट के चेयरमैन है, उनके वो प्रधान जी के पास परचेज है हरियाणा ट्रेडिंग के पास, राइस ये यूपी से उनको फ़ोन करवा के आए थे, उनके नॉन है वो, हम लोग साथ आ गए, वो उन्होंने मेरे को फ़ोन कर दिया। हमने दोनों पार्टियों की बात सुन के आपस में बैठ के जो इनका लेन देन था वो करा दिया। ये भी आ रहा था कि अंदर ब्लैकमेलिंग का ग्रो पकड़ा गया कोई। काय का ब्लैकमेलिंग? आप अंदर जाके देख लो कौन सी ब्लैकमेलिंग है, देख ले जाके अंदर ही फोटो खींच ले जाके। मैं तो आज जिंदगी में मैंने पहली बार गली मैंने पहली बार देखी है हिस्ट्री में मेरी लाइफ के अंदर इतने साल में। मामला ये, यहाँ कोचिंग सेंटर चलाते हैं और इनका उसमें कोचिंग सेंटर मालिक और जो टीचर हैं उनका उसमें कोई पैसे का मन मुटाव था। वो हम यहाँ मौका पर आए, इनका उसमें मिल बैठ के दोनों का नहीं ये फैसला हुआ। लंबा सर होती है, घर में बैठे हैं यहाँ, जिस घर में रह रहे हैं वहीं रह रहे लड़का ही। सर पैसे का लेन देन है, घर के बाहर पुलिस है, गेट बंद है, अंदर जाने नहीं दी जा रही है, ऐसी क्या जांच थी? कौन रोक रहा है, कौन नहीं रोक रहा है? गेट बंद है सर 4 घंटे से, मीडिया बाहर खड़ी है, नहीं अंदर आने दिया जा रहा है। देखो बात सुनो, ऐसा कोई मैटर नहीं है भाई, अंदर नहीं जाने दे रहे। अगला ये मालिक बैठा है घर का मालिक भी है, घर का मालिक काम पे। ऐसे हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं, किसी कोई अनहोनी घटना नहीं। अब सर जैसे कोई पैसे का लेन देन हो तो पुलिस 4-4, 5-5 घंटे बैठ के निपटा देगी आने वाले समय में? नहीं नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। 4 घंटे से पुलिस, 4-5 घंटे कौन करे? 4 घंटे से पुलिस अंदर है सर, हम बाहर हैं, 4 घंटे से पुलिस अंदर है, तो पैसे का लेन देन पुलिस अब निपटा देगी? मतलब देखो हमारे पास अगर सैलरी बढ़ानी हो, सैलरी नहीं मिल रही है तो पुलिस इसमें, हमारे पास ऐसा कोई मामला ही नहीं है। तो फिर आप 4 घंटे से कैसे? तुम्हारे बोला है तो हमारे तरफ से बात तो करेंगे, दोनों भी बातें सुनेंगे। अब तक का जो पुलिस का काम है, कंप्लेन जाती है, उसके बाद राजीनामा होता है या पर्चा दर्ज होता है। अब आपके पास बंदे गए तो पुलिस इतनी फ्री है? कल सीएम साहब ने आने और 4 घंटे के घर में पुलिस है? ऐसी कोई बात नहीं,